क्रैक जीतेगा तो जिएगा भाई, पता नहीं क्यों जीना, आई डोंट नो, बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा ही कुछ एक्शंस हो रहे हैं और कुछ तो ऐसे सीन्स हैं जिसको दिमाग के देख के आपका भी दिमाग खत्म हो जाएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे को नहीं पता। अगर आप एक्शंस के फ़ैन हो, एक्शन के दीवाने हो, तो आपको ही जाके देखना चाहिए। दिमाग लेके मत जाना, दिमाग घर पे ही छोड़ दो, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसको देख के आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा या स्टोरी को देख के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्रिएटिविटी बेस्ड अगर आप मूवी बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ किया गया है। रन टाइम की बात करें तो लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक के आसपास है, 2.5 घंटे के आसपास का रन टाइम है, और इसके ऊपर इतना क्रेज़ भी नहीं मचा, मेरे को नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर कुछ, बिकॉज आर्टिकल 370 आया, उसने इसको टक्कर दे दिया भाई। दोनों में बिल्कुल बराबर फुटस्टेप्स हैं और ये फील हो रहा है थिएटर में जाने के बाद भी, ये फील हो रहा है कि दोनों में बराबर ही जा रहा है और कलेक्शन भी दोनों का बराबर ही आएगा। बात करें अर्जुन रामपाल की एज अ विलन, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर उनका इस मूवी में अपीरियंस जो था बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही डेंजरस लग रहे थे लास्ट तक। और उसके साथ विधु जमाल जो है भाई, उनका ना भाई अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि वो एक्शंस जो है ना, वो मतलब जब भी कभी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, मेरे को नहीं पता क्या होता है उनके साथ, उनके एक्शंस मुझे थोड़े से अलग टाइप के लगते हैं। पर अगर आप उनको ऐसे कॉम्बैट सीन्स दो या फिर ऐसे थोड़ा सा मतलब देसी टाइप का स्टाइल दो, मतलब देसी एरियाज दो, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर मतलब खिल के आते हैं। अभी भी मैं वही चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा, कमांडो 1 वॉज द बेस्ट जो मुझे अब तक उनका लगा है, तो उनको वापस से सेम टाइप का कुछ ट्राई ज़रूर करना चाहिए, जो कि एक मतलब होता है ना भाई, थोड़ा सा जंगल टाइप हो या मतलब एक लोकल एरिया का कोई एक स्टोरी हो, वहाँ पे उनको थोड़ा ट्राई करना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ कि आप वहाँ पे चले जाओ सीधा ही, मतलब बड़े बड़े स्टार कास्ट लेके जाओ और इस टाइप का बनाओ। स्टोरी की बात करें तो जी हाँ, फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्लो लगा, सेकेंड हाफ थोड़ा स्पीड हो गया था एक्शंस की वजह से, और फर्स्ट हाफ में थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर था। अब कुछ लोगों को भाई फर्स्ट हाफ फास्ट लग सकता है बिकॉज ऑफ द स्टोरी, पर एक्शन जो था वो लास्ट में आपको थोड़ा देखने को मिलता है, बीच बीच में भी हल्का फुल्का एक्शन चलता रहता है, और ड्रामा तो कूट कूट के भरा हुआ है, मतलब जो मतलब उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन हो रहा होता है ना, एक्चुअली वही इस चीज़ मतलब पूरे स्टोरी का जान है, वो जो कॉम्पिटिशन कैरी आउट कर रहे होते हैं उसी की वजह से स्टोरी चल रहा होता है। फीमेल एक्ट्रेस का तो नाम बिल्कुल मत लेना, बिकॉज एक्टिंग ही नहीं है भाई, एक्टिंग ख़त्म है, जितना काम दिया गया था थोड़ा बहुत ही काम दिया गया था, ज़्यादा अपीरियंस भी नहीं दिया गया, उतना ही काम किया और वापस चले गए। तो बस इसमें विधु जमाल है जो कि कर्तव्य दिखा रहे हैं, अगर आपको कर्तव्य देखना पसंद है तो आप जाके देख सकते हो, वरना साथ ही आर्टिकल 370 लगा है उसको भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपके दिमाग का भी कर्तव्य हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक और मूवी आया है ऑल इंडिया रैंक, और भाई उसका भी शो है, वो भी जाके देख लेंगे, और वो भी भाई अभी दोपहर में है उसका शो, तो शाम को उसका भी रिव्यू आ जाएगा। बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 7.8 का रेटिंग। भाई मैंने जब सऊदी अरब का जो भी रिव्यू देखा था, तब तो मेरे को लगा था कि ये भाई 8.6 के आसपास अच्छा मूवी निकल के आ रहा था, पर उतना भी ज़्यादा खास नहीं है, ये एवरेज मूवी है, एवरेज से थोड़ा डाउन ही बोल सकते हो आप। तो वीडियो में खत्म करते हैं, अगर आपने मूवी देख लिया होगा तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, ओके बाय।